नमस्कार। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, क्योंकि हमने मैगजीन पढ़ लिया, अब हमें टीचिंग मेथड्स जानने। तो बहुत सारे मेथड आपने पढ़े होंगे शिक्षण में, आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण प्रोजेक्ट मेथड, आपका विक्रमित्ता निर्देशन। लेकिन हम देखेंगे लैंग्वेज में स्पेशली कौन से आपकी विधियाँ यूज़ होती हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश टीचिंग में स्पेशली यूज़ होती हैं। देखिए, हम देखेंगे इसको एक कैटेगरी वाइज, लेकिन उसके पहले हमें अध्ययन करना होगा कि इसके जो आपके व्यूज़ हैं वो कितने, मतलब कितने प्रकार से हम देख सकते हैं इन विधियों को। तो तीन प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चरल, अर्थात कोई चीज़ बनी कैसी, कोई भाषा का निर्माण हुआ कैसे, ये जो आपका व्यू है वो है स्ट्रक्चरल। अगर इसके अंतर्गत ऐसे जनरली हम देखें तो जैसे ट्रांसलेशन क्रम ग्रामर मेथड आपके इसके अंतर्गत आता है, मतलब इसमें जो आपकी बेसिक ग्रामर है उसको हम देखते हैं। लेकिन अगर दूसरे व्यू की बात करें तो फंक्शनल, हाउ टू एक्सप्रेस एनी लैंग्वेज, मतलब आप इतनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करोगे, इस पे बेस्ड जो आपकी टीचिंग मेथड होती है उसको फंक्शनल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा व्यू जो होता है आपका इंटरैक्टिव, इसमें इंटरेक्शन होता है लोगों से, जैसे कम्युनिकेशन होता है आपका, आप समूह में भाग लेते हैं, किस प्रकार से भाषा को बोलते हैं, मतलब ये कन्वर्जेशन आपका एक्सचेंज, मतलब आपके जो वाणी से निकले हुए आपकी भावनाएं हैं जिस माध्यम से जा रही हैं उसका जो आप आदान प्रदान कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। जैसे इसमें आपका द साइलेंट वे, सजेशनल, आपका कई सारे, बहुत सारे अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि तीन व्यू होते हैं हमारे किसी भी टीचिंग मेथड के, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और इंटरैक्टिव, ठीक है। अब हम देखेंगे टीचिंग मेथड को और हम कैसे देख सकते हैं। अगर पूछे थे ओल्ड और न्यू, मतलब प्राचीन में कौन से मेथड्स हैं, न्यू कौन से मेथड हैं, तो हम देखेंगे कि ओल्ड में हमारे दो मेथड आते हैं। बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में देखा होगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये सबसे प्राचीन आपका जो मेथड है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। अगर पूछा जाए क्लासिकल मेथड दे दिया तो आप याद रखिएगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर, या इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ये किस पे फोकस करता है, ये रिटन चीज़ों पे, व्याकरण पे, अर्थात देख रहे हैं आपका ट्रांसलेशन करना मतलब व्याकरण करना, और ग्रामेटिकल पोर्शन आपका जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात रिटन जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उस पर बेस्ड होता है। दूसरा आपका ओल्ड मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, या आइदर डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप दोनों को सेम मानेंगे, क्योंकि एक का ही दूसरा यहाँ पे नाम है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये स्पीकिंग बेस्ड होता है, मतलब डायरेक्ट मतलब किसी दूसरी भाषा को आप सिखाते हैं मदर टंग पे, मतलब यहाँ पे आप मातृभाषा के थ्रू सिखाते हैं डायरेक्टली, जैसे हम हिंदी का नहीं यूज़ किया और अपनी मातृभाषा को डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो अपोजिट होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें हम इसका जितने भी प्रोसेस डायरेक्ट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम न्यू में, तो न्यू में बहुत सारे हैं, पहले हम मेन देखेंगे, फिर हम अदर जो आपके नई चीज़ें हैं देखेंगे। बायलिंगुअल मेथड जो आपका होता है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शन में दिखता होगा। बायलिंगुअल मेथड को जिसने प्रतिपादित किया, डॉटसन, कभी हो सकता है पूछ दे, यूपी टेट वगैरह में पूछ सकता है, लेकिन सी टेट में तो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायलिंगुअल मेथड आपका डॉटसन ने जो दिया, ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन और डायरेक्ट के बीच का है, मतलब इसको सैंडविच मेथड भी कहते हैं। ये आपके वातावरण में आपके मदर टंग को यूज़ करके एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना कि आप भाषा सीख जाएँ। अच्छा, बायलिंगुअल मेथड को ही सैंडविच मेथड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टास्क बेस्ड हो या प्रोजेक्ट बेस्ड हो, ये ऐसे इस प्रकार के जो आपके मेथड होंगे, जैसे उसमें क्या कहते हैं, पहले योजना बनाते हैं, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कैसे कार्य करना है, फिर गेट सॉल्यूशन, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है आपके इंग्लिश में, अगर आप इस प्रकार से सिखाते हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, अब यहाँ देखिए, ये जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड में कहा गया है वही ये इसका अपोजिट, एक तरह से आप इसको इनडायरेक्ट मेथड कह सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, रीडिंग विथ आपका सेलेक्टेड वैकबुलरी, मतलब आप सेलेक्टेड वैकबुलरी, जो आपने सेलेक्ट की है शब्दकोश को, उसकी उसको पढ़ा के जब आप सिखाते हैं। अब देखिए, इसमें डायरेक्टली आप उसको नहीं सिखा रहे, आप इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके आगे का जो मेथड है आपका, इसके आगे का जो आपका मेथड है वो है
सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड। अब इसमें देखिए, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ही जगह दूसरे को रखना। एक ही जगह जब भी आप दूसरे को रखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने कोई सेंटेंस लिया और उस सेंटेंस के बेस पे हमने क्या किया, दूसरे सेंटेंस को उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लैक्सिकल मेथड भी आपका बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको भी बहुत ही डीपली आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात जब भी करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा सुनाई हुआ आपका मेथड है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है, इसमें आप जो सेंटेंस होते हैं और जो साउंड पैटर्न होते हैं और जो स्किल्स होती हैं, मतलब स्किल्स क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले हम किसी चीज़ को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं और लिखते हैं, कई चीज़ें हैं यहाँ पे, वो स्किल्स ऑफ लैंग्वेज कही जाती है, उस पे बेस्ड ये होता है ऑडियो लिंगुअल यहाँ पे मेथड, इसको कहते हैं। सेंटेंस एंड साउंड पैटर्न पे ये कार्य करता है, मतलब आप किस प्रकार से चीज़ों को बोलते हैं उसका पैटर्न क्या है और सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसको दोनों को मिक्सअप करेंगे तो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड बनेगा। अब अगला है आपका कम्युनिकेटिव मेथड। अब कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण मतलब क्या, एक आपका ग्राही, एक आपका वक्ता, मतलब जो संदेश ले रहा है संदेश दे रहा है। तो इस प्रकार से आप जब कन्वर्सेशन से आप अगर चीज़ों को, भाषा को ग्रहण करते हैं तो इस मेथड को कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं। फिर आपका है प्रिंसिपल लेट इलेक्टिविज, मतलब बहुत सारी और भी बहुत सारे मेथड हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेथड है उन पर हम बहुत ही डीपली यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगला देखते हैं डेगमे लैंग्वेज मेथड, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कौन से अप्रोच का है, कौन से व्यू का है, इंटरेक्टिव, मतलब इसमें भी इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है आपका कोऑपरेटिव, मतलब सहयोग से सीखना। तो सहयोग जो आपका होता है वो आपके जो सहपाठियों का हो चाहे टीचर का हो, मतलब आपस में नहीं, अकेले नहीं सीखना, समूह में सीखना, कोऑपरेशन से सीखना, ऐसे प्रकार से इस मेथड से सीखने को कोऑपरेटिव मेथड कहते हैं। फिर है कॉग्निटिव कोड अप्रोच, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी ग्रामर रूल बहुत ही महत्व रखते हैं। कॉग्निटिव कोड मतलब आपकी जो संज्ञानात्मक जो कोड बनता है, मेंटली जो आप कोड बनाते हैं उस पे ये डिपेंड है, ग्रामर रूल इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। एक आपका मेथड कहीं सुना होगा द साइलेंट वे, तो साइलेंट वे मेथड भी इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन इसमें साइलेंट कौन रहता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें साइलेंट रहता है टीचर और सीखता कौन है, शिक्षार्थी। मतलब जब टीचर साइलेंट रहे और भाषा का अर्जन होता रहे, एक इसका प्रॉपर स्टेप होता है, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी सीख ले, तो उस मेथड को साइलेंट वे मेथड कहते हैं। फिर सजेस्टोपीडिया, ये आपका जो है ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मीनिंगफुल टेक्स्ट एंड वोकैबुलरी से बच्चे को सिखाते हैं, इसके भी प्रॉपर स्टेप होते हैं। फिर कम्युनिटी आपका लैंग्वेज जो होता है टीचिंग, कम्युनिटी मतलब आप जो कम्युनिटी मतलब आपके जो समुदाय है उससे सीखते, जैसे रोल प्ले करा रहे हैं, गेमिंग करा रहे हैं, इससे जब बच्चे को सिखाते हैं इसको कम्युनिटी लैंग्वेज मेथड कहते हैं। फिर आपका सीरीज मेथड, इसको आप इसके अंतर्गत आप सीरीज वाइज जैसे सीरीज आप बना के श्रेणीगत करके बच्चों को सिखाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका ALM अगर पूछता है एक्टिव लर्निंग मेथड तो इसमें आप इस कम्युनिटी लैंग्वेज मेथड के चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे रोल प्ले में भी बच्चा एक्टिव होता है और गेमिंग में भी एक्टिव होता है। तो ये आपके प्रमुख जो है भाषा शिक्षण की विधियाँ, फिर से हम रिवाइज करेंगे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड, टास्क बेस्ड मेथड, डॉक्टर वेस न्यू मेथड, सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड, लैक्सिकल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड और प्रिंसिपलेट इलेक्टिसिव मेथड, डॉगमे लैंग्वेज मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, कॉग्निटिव कोड अप्रोच, द साइलेंट वे, सजेस्टोपीडिया, कम्युनिटी लैंग्वेज मेथड और सीरीज मेथड, ठीक है। आप इन मेथड को अगर ध्यान में रखेंगे तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और अगर आप इसकी क्वालिटीज़ को, इसके स्टेप्स को जान जाएंगे तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे।